गाइस आप भी अपनी YouTube वीडियो पर थंबनेल लगाना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube वीडियो पर थंबनेल कैसे लगा सकते हैं। क्यों दोस्तों, कुछ बंदों को थंबनेल लगाने में प्रॉब्लम आती है। जब वो YT स्टूडियो पर जाते हैं थंबनेल लगाने के लिए, तो उनको कुछ इस प्रकार का वहाँ पर लिखा हुआ देता है। इसकी वजह से वो अपने YouTube वीडियो पर थंबनेल नहीं लगा पाते हैं, और जिसकी वजह से उनकी वीडियो पर व्यूज नहीं आते। क्योंकि दोस्तों, जब आपका थंबनेल अच्छा होगा तो लोग उसकी वीडियो पर क्लिक करेंगे, और आपका थंबनेल ही नहीं होगा तो वीडियो वायरल कहाँ से होगी, लोग आपकी वीडियो को क्यों देखेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो पर क्लिक किया है तो आपको मेरी वीडियो के पोस्टर पर यानी कि थंबनेल पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया होगा कि भाई थंबनेल कैसे लगाते हैं, तो आपने मेरी वीडियो पर क्लिक किया है। वरना थंबनेल नहीं लगाता तो मेरी वीडियो पर व्यूज या आप मेरी वीडियो पर क्लिक नहीं करते। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको थंबनेल कैसे लगाना है, क्योंकि प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पर आपकी सॉल्व करूँगा आज की स्टूडियो में। तो सबसे पहले आपको YT स्टूडियो पर जाना है, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने स्टूडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा ही सॉल्यूशन मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले YT स्टूडियो पर आना है, और YT स्टूडियो पर जब आओगे तो आपको कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ देगा, जिस पर आपको लिखा है टू एड कस्टम थंबनेल वेरीफाई योर अकाउंट ऑन यूट्यूब ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, इस तरीके से लिखा रहा है कि आप अपने यूट्यूब को जो यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करो, तो आपको लर्न मोर पर क्लिक कर देना है, और लर्न मोर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो यहाँ पर लिखा हुआ देगा जिसका नाम होगा भाई अकाउंट इज वेरीफाई, इस तरीके से लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा, यूट्यूब पर रीडायरेक्ट करेगा, क्रोम पर आपको क्लिक कर देना है सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर आपको जो अकाउंट वेरीफाई होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये मेरा अकाउंट जो है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा वेरीफाई है। ठीक है, लेकिन अगर आपका यहाँ पर अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा तो वहाँ पर आपको नंबर मांगेगा, तो मोबाइल नंबर वहाँ पर आपको डाल देना है जो भी आप मोबाइल से वेरीफाई करना चाहते हो, और उस पर एक OTP आएगा, नीचे OTP का ऑप्शन आएगा, तो OTP डाल देना है और उसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन इससे भी आपका कस्टम थंबनेल नहीं लगेगा। कुछ बंदे इतना कर देते हैं फिर उनके बाद भी उसका कस्टम थंबनेल जो है वो नहीं लग पाता है, फिर यही प्रॉब्लम उनको देखने को मिलती है। अगर आपको ये वेरीफाई किया हुआ है फिर भी आपको ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर आना है YT स्टूडियो के अंदर। ठीक है, फिर से कहाँ पर आना है, फिर से आपको आना है भाई YT स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लेके दे रहे हैं, अब की बार आपको अकाउंट वेरीफाई नहीं करना है, आपको पीछे जाना है, और पीछे जाने के बाद आपको यहाँ पर डॉलर वाले ऑप्शन पर जाना है, और वहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करोगे टू स्टेप वेरिफिकेशन, ये भी आपका नहीं किया रहेगा, इसको आपको वेरीफाई करना है। टर्न ऑन पर आपको क्लिक करना है, सिंपल से टर्न ऑन पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप क्लिक कर दे सीधा आपको यहाँ पर अकाउंट पर लेकर जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो GMAIL ID से आपका चैनल है जिसको आपको भाई टू स्टेप वेरीफिकेशन करना है, वो GMAIL ID यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर GMAIL ID सिलेक्ट करिए, और उस GMAIL ID का आपको यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर आपको डाल देना है। पासवर्ड नहीं डालोगे तो यहाँ पर का ओपन नहीं होगा, और ओपन नहीं होगा तो आपका वो टू स्टेप वेरीफिकेशन नहीं, और आप थंबनेल नहीं लगा पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर OTP डाल दिया, OTP डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और नेक्स्ट पर करने के बाद आपका टू स्टेप वेरीफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको इतने नहीं होगा, यहाँ पर आपको नंबर भी डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर से आप स्टेप वेरीफिकेशन करना चाहते हो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो वो मोबाइल नंबर जो है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट का और फोन कॉल का, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज उस पर आएगा, और वो OTP यहाँ पर आपको नीचे OTP का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर देखो एंटर द कोड, जिस नंबर को आप डाला है उस पर एक OTP आएगा, और उस OTP को यह डालने का बोल रहा है। तो यहाँ पर कोड आ जाएगा, और मैं यहाँ पर कोड डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोड डाल दिया, ये कोड मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और उस नंबर को आपके पास होना चाहिए, वो नंबर आपके पास होना चाहिए तभी आप कोड देख पाएंगे, और हाथों हाथ आपको वो एक बार ही होता है कोड। तो वो कोड आपको हाथों हाथ डालने के बाद आपको यहाँ पर जो है अकाउंट जो है वेरीफाई यहाँ पर आपको क्लिक हो जाएगा, टर्न ऑन पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर जो अकाउंट जो आपका वेरीफाई हो जाएगा फिर से आपको रिडायरेक्ट करेगा YT स्टूडियो पर। और यहाँ पर देखो टू स्टेप वेरिफिकेशन पर भी मेरा राइट लग चुका है। अब हम वापस से जाते हैं YT स्टूडियो में, और अब देखते हैं थंबनेल का ऑप्शन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उस वीडियो पर जाता हूँ, इस पर क्लिक करके पेंसिल ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर उस पेंसिल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कस्टम थंबनेल पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर देखो कस्टम थंबनेल पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पर जो है भाई कस्टम थंबनेल लगने का ऑप्शन यहाँ पर जो है आ चुका है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है भाई कस्टम थंबनेल लगाने के लिए, ये जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। चलिए मिलता है नेटो में किसी और नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, टाटा बाय।